Hello everyone, let's discuss about the intersection of the context-free languages, and let's see if they are if the context-free languages are closed under the intersection or not. For this, let's say we have a language L1, which is equals to a power n, b power n, and c power m, where n and m is greater than or equal to 0. And let's say L2 is equals to a power m, b power n, and c power n, where n and m is greater than or equal to 0. तो हम सबसे पहले L1 लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग का सेट बना लेते हैं. सो L1 लैंग्वेज ऐसा कहा जा रहा है कि a और b की संख्या सेम होगी और c इंडिपेंडेंट है a और b से. c की संख्या a और b पर डिपेंड नहीं करती है. तो अगर हम n और m दोनों को नल ले लें, जीरो ले लें, तो उस केस में एप्सिलॉन आ जाएगा जो कि स्ट्रिंग का पार्ट होगा, लैंग्वेज का पार्ट होगा. इसके बाद अगर हम m की वैल्यू जीरो ले लें तो ए बी इसका पार्ट होगा. देन n और m दोनों वन ले लें तो ए बी सी इसका पार्ट होगा. इसी तरीके से हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेट से ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो भी इसका पार्ट होगा. देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी भी इसका पार्ट होगा. ए हमें ये ध्यान रखना है कि ए और बी की संख्या सेम है. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी इसका पार्ट होगा. एंड देन ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब बी क्यूब ये भी इसका पार्ट होगा. ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर भी इसका पार्ट होगा. एंड देन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी इसका पार्ट होगा. एंड सो ऑन सो फॉर्थ. इसी तरह से अगर हम L2 ले लें जिसमें कि बी और सी की संख्या सेम है और ए इंडिपेंडेंट है, तो उसमें एप्सिलॉन इसका पार्ट होगा. एंड देन बी सी हो सकता है, या हो सकता है कि ये ए बी सी हो जाए. एंड देन इसी तरीके से हो सकता है कि ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाए, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी इसका पार्ट होगा. एंड देन इसके बाद ए बी क्यूब एंड सी क्यूब, एंड देन ए ए स्क्वायर बी बी क्यूब एंड सी क्यूब. बी और सी की संख्या सेम होनी चाहिए, ए की संख्या इंडिपेंडेंट है. ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, अगर हम L1 और L2 का इंटरसेक्शन लें तो इस स्ट्रिंग के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें पार्ट होगा. एप्सिलॉन इसका पार्ट होगा, ए बी सी इंटरसेक्शन में आ रहा है. एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटरसेक्शन में आ रहा है. ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब इंटरसेक्शन का पार्ट आ रहा है. एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो आप देख सकते हैं कि जो L1 इंटरसेक्शन L2 है उसमें ऐसा हो रहा है कि ए बी और सी की तीनों की संख्या सेम है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द लैंग्वेज इज लाइक ए पावर एन b पावर n एंड c पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये जो L1 इंटरसेक्शन L2 लैंग्वेज जो हमने निकाला यहाँ पे, a पावर n b पावर n एंड c पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको पता है कि इसके लिए PDA नहीं बनाया जा सकता. तो इसलिए ये जो लैंग्वेज होगी दैट विल नॉट बी कंटेक्स्ट फ्री. सो नॉट कंटेक्स्ट फ्री, सो इसका मतलब है कि जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं दे आर नॉट क्लोज अंडर द इंटरसेक्शन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लीमेंटेशन. सो हमें पता है ऑलरेडी कि जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर द इंटरसेक्शन. इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे फॉर प्रूविंग दैट कि लैंग्वेज हमारे कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा. सो लेट्स से हमने ये कहा कि हमारे पास L1 लैंग्वेज है और हम L2 के साथ इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं. सो हमें ये पता है कि सेट प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें ये पता होता है कि अगर हम इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट एंड इसका होल कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल्स टू L1 इंटरसेक्शन L2. ऐसा कैसे निकाला हमने, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि L1 इंटरसेक्शन L2 हमारे पास है और इसका हमने दो बार कॉम्प्लीमेंट कर लिया. तो दो बार कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब मुझे सेम लैंग्वेज मिलेगी. सो एक बार कॉम्प्लीमेंट को रखते हुए ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें हम जानते हैं कि L1 इंटरसेक्शन L2 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे सो इसको हम लिख सकते हैं L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट, यही हमने यहाँ पे लिखा है. तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि L1 कॉम्प्लीमेंट जो लैंग्वेज है दैट इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. L1 कॉम्प्लीमेंट मतलब L2 कॉम्प्लीमेंट भी, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन इज क्लोज्ड अंडर द कंटेक्ट सॉरी कॉम्प्लीमेंटेशन इज क्लोज्ड फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, या फिर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर द कॉम्प्लीमेंटेशन. सो अगर हमने ये कहा तो हम ये कह सकते हैं कि L1 कॉम्प्लीमेंट इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज,
यूनियन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि एल टू कॉम्प्लीमेंट भी कंटेक्स्ट फ्री होगा। हमें यह पता है कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर द यूनियन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको प्रूव किया था। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो लैंग्वेज हमें मिलेगी वो कंटेक्स्ट फ्री मिलेगी, इनका यूनियन, और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। चूंकि हमने अभी भी अज्यूम किया है कि एल वन कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड अंडर द, सॉरी, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज अंडर दी कॉम्प्लीमेंटेशन, तो हम कह सकते हैं कि दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो कंटेक्स्ट फ्री। तो अभी हमने यहाँ पे ये निकाला कि एल वन इंटरसेक्शन एल टू इज सी एफ एन, बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने प्रूव किया कि इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज नहीं होती हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये अजम्पशन कि कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर लैंग्वेजेस क्लोज हैं, सी एफ एल क्लोज हैं, ये गलत है। सो वी कैन नाउ स्टेट दैट दी सी एफ एल आर नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।